वेलकम बैक टू द चैनल अवन एंड टेबल। हमारी आज की रेसिपी है कढ़ाई पनीर, जिसके लिए मैंने आधा किलो पनीर ले लिया है, जिसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। दो प्याज, नमक, दो हरी मिर्च, पांच टमाटर, कैप्सिकम जिसे मैंने पतले पतले शेप में काट लिया है, गरम मसाला, कोरिएंडर सीड्स और मिर्च, कश्मीरी मिर्च, कसूरी मेथी और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो एज ए प्री स्टेप, सबसे पहले हम मिर्च और धनिया का एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे और साथ ही साथ टोमेटो की एक प्यूरी बना के अलग रख लेंगे। तो जब तक ये मैं करता हूँ, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और फिर इसमें हम जो हमने पनीर काटे थे उसे डाल देंगे। जब आप होटलों में खाते हैं तो कढ़ाई पे पनीर भूनते नहीं है, बट हमारी जो तरीका है उस पर हम पहले पनीर को अच्छी तरह से भून लेंगे और फिर निकाल कर अलग कर देंगे इसे। जब हमारा पनीर भून जाए तो उसे निकाल के हम एक पानी के कटोरे में डाल देंगे, ताकि जब पनीर फाइनल पनीर बन जाता है तब ये सॉफ्ट रहे। पनीर भून चुकी है, अब हम प्याज भूनेंगे। हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक ये ट्रांसलूसेंट ना हो जाए, हल्का हल्का पिंक कलर का। हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे भी अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें तब तक भूनना है जब तक इसका जो रॉ स्मेल है वो ना चला जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट भून चुका है, अब इसमें हमने दो हरी मिर्च डालनी है और हमने जो पेस्ट बनाया था कोरिएंडर सीड्स और मिर्च का, हमने उसको इस पर ऐड करना है। इस मसाले को सही से मिलाना है मुझे। मसाला ठीक से भून चुका है, अब हम इसमें दो कटे हुए टमाटर डालेंगे। हमें टमाटर तब तक भूनना है जब तक ये पल्पी ना हो जाए। आप देखेंगे जैसे ये पल्पी होता है जो बगल बगल का तेल है वो भी रिलीज करना शुरू हो जाएंगे। टमाटर पल्पी हो चुका है, अब हम इसमें टमाटर प्यूरी जो हमने पहले बनाया था वो ऐड करेंगे। हमें इसे सही से भूनना है ताकि बगल से ये तेल रिलीज़ करना शुरू कर दे। टमाटर सही से भून चुका है, अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे और इसे हल्की आंच पे हल्के से सिमर करेंगे। अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिला देंगे इसे। सात से आठ मिनट के लिए हमें इसे भूनना है। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो कम पानी और ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो एक से डेढ़ कप पानी आप इसमें मिला दीजिए। अच्छे से इसे मिला दीजिए। मसाला सही से भून चुका है, अब हम इसमें कसूरी मेथी मिलाएंगे और गरम मसाला। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी तैयार है, अब हम इसमें जो हमने पहले पनीर को भून के रखा था उसे ऐड कर देंगे। चार से पाँच मिनट के लिए से हम अच्छे से सिमर करेंगे और फिर हमारा कढ़ाई पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसकी कलर कितनी अच्छी आ रही है और इसका ग्रेवी भी काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको और क्या बनवानी है मुझे बताएं, मैं कोशिश करके उसकी भी एक वीडियो बना कर डाल दूँगा। और प्लीज़ अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो। आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।